हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि इसी 11th क्लास में ही ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 10th क्लास में इंट्रोड्यूस हुए थे। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली 10th क्लास में ही आती है, आप सब जानते हैं इस चीज को। तो वहां पे हम कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और यहां हम कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसा क्यों? ट्रिग्नोमेट्री वहां जो पढ़ी थी उसमें कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए ही हम वैल्यू निकाल रहे थे, जैसे कि कोस 90 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए ही हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे। अब क्योंकि फंक्शन हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो उसको फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम कैसे देखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहां पे आज, ठीक है। सो फंक्शन में ये कैसे बदलेगा वो भी देखते हैं। रेडियन मेजर हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले का जो टॉपिक था वो रेडियन मेजर का था। तो सपोज कोई एंगल है आपके पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कोई एंगल बन रहा है एक्स। एक्स एंगल जो है वो रेडियंस में है, एक्स रेडियन। यहां जो ए पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, वो कैसे वेरी करेंगे, किसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे वो देखते हैं हम। देखिए, सपोज ये एक ट्राइंगल बन गया ए ओ, और यहां से ड्रॉप कर लेता हूं परपेंडिकुलर बी, ठीक है। सो ए ओ बी इज ए ट्राइंगल, ए ओ बी इज ए ट्राइंगल। नाउ इन दिस ट्राइंगल दिस वैल्यू ए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, this value A is OB and this value B is AB, आया ना, ठीक है। so coordinate axis के according जो AB हमारा point है, एक coordinate point है, A की value जो है वो OB के equal है और B की value जो है वो AB के equal है, ठीक है। चलिए, अब ये जो a होगा ये किसके इक्वल होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं। सो a फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, इन ट्रायंगल AOB जो कि हमारा ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो a फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करता हूं कोस ऑफ एंगल एक्स, एंड कोस ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, OB अपॉन OA, एंड सपोज OA इज 1 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है आपका ये यूनिट रेडियस का है, सो OA इज 1 सेंटीमीटर, देन cos ऑफ x इज इक्वल टू OB एंड OB इज A, ठीक है। A जो है उसकी वैल्यू आ गई cos ऑफ x, सो यहां लिख देता हूं मैं A इज cos ऑफ x। अब इस रिलेशन को देखिए ध्यान से, a एक वेरिएबल है जो वेरी करता रहेगा, x एक वेरिएबल है जो वेरी करता रहेगा, और फंक्शंस की डेफिनेशन देखिए, फंक्शंस हम कैसे लिख रहे थे, y इक्वल्स टू cos ऑफ x या कोई और वैल्यू, ठीक है, y इक्वल्स टू कोई फंक्शन जो डिस्क्राइब था, यानी कि y इक्वल्स टू f ऑफ x। यहां x क्या था, एक वेरिएबल था, y क्या था, वो भी एक वेरिएबल था, x की वैल्यूज चेंज हो रही थी, अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज भी चेंज हो रही थी, है ना। तो यहां भी वही होगा, x की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, अकॉर्डिंगली a की वैल्यूज भी चेंज होती रहेंगी। सो नाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस जो है, जो दो साइड्स का रेशियो है, हैज बिकम अ फंक्शन। ओके, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैज बिकम अ फंक्शन, क्योंकि अब वेरिएबल्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, गॉट इट, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया। सो a की वैल्यू आ गई a cos x, और b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, b इज इक्वल्स टू, b किसके बराबर होगा, देखिए b के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस OA, and OA is 1, so sine of x equals to AB and AB is our B, so B is equals to sine of x, this is also a function, ठीक है।
सो क्योंकि वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना होके क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, x की वैल्यूज वेरी करते रहेंगे हम, हमें b की वैल्यूज मिलती रहेंगी। यहां x की वैल्यूज वेरी करते रहेंगे हम, a की वैल्यूज हमें मिलती रहेगी। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या, अब देखिए जब ये मूव करेगी, a और b की वैल्यू इस सर्कल पे मूव करता जाएगा, ये पॉइंट, या यूं कहूं कि ये पॉइंट a जो है इस सर्कल पे मूव करेगा, तो ये चार क्वाड्रेंट्स में जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चार क्वाड्रेंट्स में जाएगा। ठीक है, एक केस और हो सकता है, और वो केस क्या है कि देखिए ये एंगल जो है एक्स, ये नीचे की तरफ माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसको मिटा के रख लिख देता हूं यहां पे, माइनस ऑफ एक्स, ये एंगल माइनस ऑफ एक्स है, और उसके कारण इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे वो देखते हैं हम। ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, ये लाइन अपनी ओ बी एज इट इज। ठीक, सो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे अब जो पॉइंट बनेगा, ओ हो सी तो मैंने बीच में ही बना दिया, हवा में थोड़ी बनेगा भाई सी, हवा में नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको हटा के बना लेता हूं। ठीक है, सी हवा में नहीं बनेगा, सी बी क्या होगा, इसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगा। ठीक है, ये मिला दिया मैंने, सो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स, ये पॉइंट हो गया सी, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सो फाइंड आउट करता हूं मैं, ये पॉइंट वही ए और बी। ठीक है, पॉइंट घूम के आ गया यहां पे ए और बी, अब ए की वैल्यू कैसे आएगी, ए इक्वल्स टू है अपना कोस ऑफ एक्स, और बी अपना है साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब ए की वैल्यू, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। गॉट इट, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी हमें, यानी कि कोस ऑफ एक्स और यहां पे माइनस एक्स रख दूं तो भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ये ए। अब एंगल की जगह ऊपर की डायरेक्शन में देखिए, हम चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो एंगल था वो पॉजिटिव था, अब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो जो एंगल है वो नेगेटिव है, माइनस ऑफ एक्स है। सो कोस माइनस ऑफ एक्स रखूं या कोस एक्स रखूं, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी। ठीक है, क्योंकि कोस एक्स से मुझे मिल क्या रहा है, ए की वैल्यू मिल रही है, और ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, चाहे एक्स रखूं चाहे माइनस एक्स रखूं, यानी कोस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस ऑफ माइनस एक्स, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, वैल्यू सेम रहेंगी हमेशा। ठीक है, गॉट इट, तो यहां मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं कि कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, ये चेंज नहीं होगा, वैल्यू एक्स की पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोस ऑफ एक्स आपको हमेशा सेम मिलेगा। गॉट इट, इसलिए इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं हम साइन एक्स के लिए। तो यहां देखिए जो बी है वो बी पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि बी वैल्यू कौन सी है, जो वाई एक्सेस पे आ रही है, और बिलो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, सो माइनस बी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, माइनस बी वैल्यू मिलेगी, यानी कि अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, बी इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि एंगल आपका माइनस एक्स है, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस बी साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, और वो किसके बराबर हो गई, बी का नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स, सो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि v की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से, v है क्या अपना साइन एक्स। ठीक है, सो माइनस बी हो गया, तो माइनस साइन एक्स, और ये आया किस कारण नेगेटिव, यहां क्योंकि x जो था वो नेगेटिव हो गया, सो ये रिजल्ट भी मैं वहां लिख देता हूं अलग से, देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, और इस फंक्शन को इसलिए हम बोलते हैं ओड फंक्शन।
ठीक है, ओड फंक्शन। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता देता हूं कि ये जो वैल्यू है ए और बी, ये पूरा इस पे सर्कमफ्रेंस पे घूमती रहेगी। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, सो ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, ठीक है। बी नेगेटिव हुआ और एंगल क्या है, माइनस एक्स, सो बी माइनस बी इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी, बी इक्वल टू साइन एक्स है अपना, बी इक्वल टू साइन एक्स है, सो बी की जगह माइनस बी और एक्स की जगह माइनस एक्स। अब बी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो ये फंक्शन जो है बी की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए इसको हम कहेंगे ओड फंक्शन, गॉट इट। चलिए अब ये जो चार क्वाड्रेंट है इनमें ए और बी की वैल्यू देखिए क्या होती जाएगी। यहां पे देखिए, मान लो पॉइंट ये है तो ये माइनस ए बी हो जाएगा, यहां पे है अगर ये पॉइंट तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और यहां पे अगर है पॉइंट तो ए माइनस बी, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए और बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ए बी मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कोस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की जो भी हो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है एंगल आपका तो कोस ऑफ एक्स माइनस मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में इनके साइन रहेंगे,